कतर में जिन 8 पूर्व इंडियन नेवी के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगा दी गई है। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि इन भारतीय अधिकारियों की सजा को कम कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ऑफ अपील में कतर में भारत के राजदूत भी मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय ने बताया, दाहरा ग्लोबल केस में कतर के कोर्ट ऑफ अपील का फैसला आ गया है। हमें बताया गया है कि इस मामले में भारतीय नागरिकों की सजा घटा दी गई है। हमें अब तक इस मामले की डिटेल जजमेंट नहीं मिली है। आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने के लिए हम भारतीय नागरिकों के परिवार वालों और लीगल टीम के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। कतर में हमारे राजदूत और दूसरे अधिकारी भी आज कोर्ट ऑफ अपील में भारतीय नागरिकों के परिवार वालों के साथ मौजूद थे। इस मामले में शुरुआत से ही हम उनके साथ खड़े हैं और आगे भी उन्हें हर तरह की काउंसलर और लीगल मदद पहुंचाते रहेंगे। हम इस मामले को कतर के अधिकारियों के बीच भी उठाते रहेंगे। इस केस में हो रही कार्रवाई गोपनीय और संवेदनशील है, इस वजह से इस मामले में इस समय इससे ज्यादा जानकारी साझा करना ठीक नहीं होगा। बता दें कि कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। तब भारत सरकार ने कतर कोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी 8 पूर्व नौसेना अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी एमीरी नौसेना को ट्रेनिंग और दूसरी सेवाएं प्रदान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का नाम देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसीज सर्विसेज है। कंपनी खुद को कतर रक्षा सुरक्षा और दूसरी सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार बताती है। रॉयल ओमान वायुसेना रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हामिस अल अजमी इस कंपनी के सीईओ हैं। कतर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नौसैनिकों में से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल हैं। इन्हें साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।